गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं पोटली बटन पैचवर्क नेक। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने कैनवस लिया है जिसकी लेंथ है 11 इंचेस और फोल्ड में हमारा कैनवस है विड्थ इसकी 5 इंचेस। सबसे पहले हम ऊपर नेक की विड्थ ड्राफ्ट करेंगे। मैं यहाँ पे 2.7 इंचेस ले रही हूँ और उसके बाद फ्रंट नेक का एक्चुअल लेंथ डालेंगे जो कि होगी 6 इंचेस, पर मैं इसमें हाफ इंचेस ऐड करूँगी क्योंकि ऊपर से शोल्डर में हाफ इंचेस स्टिचिंग में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी मैं नेक की विड्थ डाल दूँगी और फिर इन तीनों पॉइंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे और कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल तैयार करेंगे। उसके बाद ऊपर से मैं 10 या 10.5 इंचेस मार्क करूँगी, वहाँ से 1.2 इंचेस क्रॉस में मार्क करेंगे, फिर ऊपर से इस पॉइंट से 1.5 इंचेस ऊपर लेंगे और इस तरीके का शेप बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे भी 1.5 इंचेस पे मार्क करेंगे और नीचे वाले पॉइंट तक उसे ज्वाइन कर देंगे। इसे हम मार्क नंबर दे देते हैं, इस वाले को फर्स्ट और इसको सेकंड। यहाँ पर भी हम हाफ इंचेस या 1 इंचेस जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसके हिसाब से मार्क करेंगे और नीचे तक इसे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसे काट देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है। हमारी लेंथ जो आनी चाहिए कैनवस की वो एक्चुअल लेंथ से हाफ इंचेस ज़्यादा रखे ताकि शोल्डर में हाफ इंचेस स्टिचिंग में चला जाएगा और फिर आपकी एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो हम पैंट के कपड़े से निकालेंगे और जो सेकेंड पार्ट है वो कुर्ती के कपड़े से। यहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट कलर ही यूज करना है। जो फर्स्ट वाला पोर्शन है मैं उसे पैंट के कपड़े से निकालूंगी। अब मैंने फर्स्ट वाले कैनवस को चिपका दिया है और बाहर से मैं हाफ इंचेस पर इसे कट करूंगी और ऊपर से भी इसे कट कर दूंगी। राउंड वाले शेप को थोड़े हम नॉचेस दे देंगे और मशीन पर हम इसके रॉ एजेस स्टिच करेंगे ताकि अंदर कुर्ती के अंदर के साइड में नेक फिनिश दिखे। यहाँ पर भी मैं अच्छे से टर्न करके उसे स्टिच कर दूंगी। कॉर्नर पे हम नॉच दे देते हैं ताकि कर्व वाला जो कपड़ा है वो अच्छे से टर्न हो सके। अब मैं कुर्ती का सेंटर नॉच करूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड किया और नॉच कर दिया और कैनवस का भी सेंटर निकाल के उसे हम इस तरीके से दोनों को सेंटर में पिंस लगाएंगे और एकदम कोने में इसे स्टिच करेंगे। कैनवस के एकदम करीब से हम इसे स्टिच करेंगे, कैनवस के ऊपर स्टिच नहीं करना है। कॉर्नर पे अच्छे से स्टिच करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत हल्की हल्की स्टिचिंग देनी है, खींचना कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद मैं पिन निकाल लूँगी। एक बार पीछे से भी पलट के देख सकते हैं हम कि स्टिच अच्छे से आई है या नहीं। उसके बाद हम अंदर का सारा फैब्रिक कट कर देंगे और सारी तरफ नॉचेस दे देंगे। खासकर कॉर्नर्स में हमें अच्छे से नॉच करना है क्योंकि वहाँ पर कपड़ा अच्छे से पलटना चाहिए, नहीं तो शेप्स अच्छे से नहीं दिखते गले के। और उसे अंदर की साइड टर्न करके प्रेस करेंगे और टॉप स्टिच दे देंगे बाद में। सबसे पहले हमें इसे प्रेस करना है अच्छे से। यहाँ पे मैंने अंदर वाला पीस लिया है और इसे भी मैंने फैब्रिक पे चिपका दिया है और इसके कॉर्नर पे मैं अच्छे से स्टिच करूँगी। यहाँ पे मैंने डबल स्टिच ली है। बहुत ही धीरे धीरे आप इसे कर भी सकते हैं। उसके बाद अंदर का सारा फैब्रिक हम हाफ इंचेस सीम अलाउंस रखे कट करेंगे और सारी तरफ नॉचेस दे देंगे। नॉचेस देने के बाद इसे कुछ इस तरीके से अच्छे से टर्न करेंगे। कैनवस वाली साइड जो है वो ऊपर आनी चाहिए। उसके बाद चॉक से हम कैनवस का जो शेप हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ उसे हम मार्क कर देंगे क्योंकि हम वहाँ पे पोटली बटन्स लगाने वाले हैं। जो कर्व पार्ट है कैनवस का वहाँ पे हम पोटली बटन्स लगाएंगे।
यहाँ पर मैं मार्किंग पर एक स्टिचिंग ले रही हूँ ताकि कपड़ा बार बार हिले ना। एंड में और स्टार्ट में हम लॉक कर देंगे। उसके बाद एक एक इंचेस की मैं दोनों साइड पे मार्किंग कर दूंगी। अब इन मार्किंग पे हम पोटली बटन लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक इंचेस का गैप रखा है, पर अगर आपको बहुत ही पास पास पोटली बटन चाहिए तो आप वैसे भी इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पे आप अलग अलग रंग की पोटली बटन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कुर्ती बहुत ही सुंदर दिख सकती है। दूसरे वाली साइड पर जहाँ हमने एक एक इंचेस के मार्किंग करे थे वहाँ पर भी हम पोटली बटन स्टिच कर देंगे। अब हम इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पोटली बटन्स का वो हम दोनों साइड के फैब्रिक को कट कर देंगे। उसके बाद हम इसे एक प्रेशर फुट का डिस्टेंस रखते हुए फिर से बाजू से स्टिच करेंगे दोनों साइड पर, ताकि जब हम नेक इस पर स्टिच करें तो ज़्यादा बल्कि ना दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीम अलाउंस रखते हुए सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। अब देखिए हमारा अंदर का पीस भी रेडी हो चुका है और बाहर भी मैंने नेक को प्रेस कर लिया। अब इसे अच्छे से मार्क करेंगे जो हमारा शेप था, और इसे कुछ इस तरीके से रखकर पिंस लगाएंगे। इसे हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे और पिंस लगाएंगे। उसके बाद इसे टॉप स्टिच दे देनी है एकदम कॉर्नर पे, और फिर एक बार एक प्रेशर फुट का डिस्टेंस रखते हुए दूसरी स्टिच। अब मैं इसे मशीन पे टॉप स्टिच दे दूंगी। शेप पर बाहर का नेक अच्छे से रखते हुए इसे टॉप स्टिच देनी है। अगर आपके पास सिंगल प्रेशर फुट है तो आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि पोटली बटन्स लगाते समय अगर आप सिंगल प्रेशर फुट यूज़ करते हैं तो फिनिशिंग और भी अच्छी आती है। यहाँ पर हम अच्छे से इसे स्टिच कर देंगे। फैब्रिक को एडजस्ट करना है। टॉप स्टिच देने के बाद हम एक्स्ट्रा थ्रेड को भी कट कर देंगे और ऊपर से एक प्रेशर फुट का डिस्टेंस रखते हुए एक और स्टिचिंग देंगे, ताकि जो अंदर का पैच है वो अच्छे से स्टिच हो जाए। और हमारा नेक रेडी है। आप चाहे तो बीच में बटन्स भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।